आज हम ओरियो केक बनाने वाले हैं। ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। शाम को इसे एज अ स्नैक्स बना सकते हैं। एक 30 रुपीस के ओरियो के पैकेट से 4 ऐसे केक्स बन जाएंगे। केक बनाने के लिए हमें एक पैकेट ओरियो चाहिए 30 रुपीस का, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और मिल्क 1 कप। ओरियो को अब हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्सचर में ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड किए हुए ओरियो में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर दें, और अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो वो भी डाल दें, और दूध थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें। एक बार में पूरा दूध नहीं डालना है, और इसे अच्छे से मिक्स करें। जब तक ये इतना स्मूथ नहीं हो जाता तब तक मिक्स करते रहना है, और पूरा 1 कप दूध ऐड नहीं करना है, थोड़ा कम ही लगेगा 1 कप से। एक पुराना सा फ्राई पैन में 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब इसमें एक वायर स्टैंड प्लेस कर दें और लिड को कवर कर दें। फिर इसे 7 से 8 मिनट तक के लिए ऐसे ही प्री हीट होने के लिए छोड़ दें। एक एल्युमिनियम के बर्तन में हम बटर को अच्छे से ग्रीस कर देंगे, फिर बैटर को उसमें पोर कर देंगे। और इसे अच्छे से टैप कर लें। अब इसको वायर स्टैंड के ऊपर प्लेस कर देंगे और हाई फ्लेम में 20 मिनट तक के लिए पकने देंगे। 20 मिनट के बाद इसको हम एक टूथपिक से चेक कर लेंगे, ये पूरा क्लियर है। ये जब पूरा ठंडा हो जाएगा फिर इसको हम डीमोल्ड करेंगे। केक अब ठंडा हो चुका है, अब इसे एक नाइफ के हेल्प से हम ऐसे साइड से रिमूव कर देंगे। फिर इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और इसे उल्टा कर देंगे और फिर ऊपर से ऐसे टैप करेंगे और केक इजीली निकल जाएगा। ये डार्क चॉकलेट है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें हम गरम दूध ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इससे हम चॉकलेट सॉस बनाएंगे। अब चॉकलेट सॉस को केक के ऊपर ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। और बीच से इसे हम कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर ऐसे चोको चिप्स ऐड कर देंगे। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब केक को ऐसे फ्लिप करके बीच से कट कर देंगे। अब चॉकलेट सॉस को इसके ऊपर ऐसे करके स्प्रेड कर दें सबके ऊपर। अगर आपके पास हर्षी सिरप है तो आप वो यूज़ कर ले, मेरे पास ख़त्म हो गया था इसलिए मुझे चॉकलेट सॉस बनाना पड़ा। और फिर थोड़ा चॉको चिप्स इसके ऊपर ऐड कर दे। ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। मैं तो वेट भी नहीं कर सकती इसको खाने के लिए, मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए। ये अब सर्व करने के लिए रेडी है। जब इतना वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। गुड बाय।